कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में जहां महामारी फैली है, प्रधानमंत्री द्वारा 25 तारीख को पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया गया था। आज तकरीबन 10 दिन हो गए, वहीं लोगों को राशन की दिक्कत को लेकर काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। जहां आज 1 तारीख को राशन की दुकानों से राहत की उम्मीद नजर आई, वहीं जनता की उम्मीद कनेक्टिविटी ने तोड़ दी। लोगों का कहना है कि हम काफ़ी समय से लाइन में लगे हुए थे, कनेक्टिविटी ना होने के कारण हमें राशन नहीं मिल सका। जिस प्रकार सरकार का आदेश है, हम उसी प्रकार दूरी बनाकर खड़े हैं। राशन दुकानदार कार्ड धारकों के हाथों को सैनिटाइज कराकर और साबुन से धोने की राय भी दे रहे हैं। जिस तरीके लॉकडाउन के बाद आज पहले तारीख को लोगों को राशन मिल रहा है, उस पर क्या कहना चाह रही हैं आप? क्या वजह से खड़ी हैं आप यहाँ पर? कितना राशन मिलता है? 12 किलो चावल। अब देखो आगे कितना मिलेगा। अब हमारा काम धंधा नहीं, मिलना चाहिए ना हमें। हमारे बच्चे भी परेशान हैंगे, बच्चे को भी परेशान हैंगे, काम धंधा नहीं है। जिस तरीके से पहला दिन है लॉकडाउन को लेकर, आज 11-12 दिन होने जा रहे हैं जिसके आज राशन की दुकानें खुली हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? कितना राशन मिल रहा है, क्या प्रक्रिया है यहाँ पर? एक सवेरे 9 बजे से खड़े हुए हैं हम, और राशन मिल रहा है। वो गेहूँ मिल रहे हैं हमें 12 किलो, चावल मिल रहे हैं 5 किलो। अब ये महीना भर कैसा पकड़ा जाएगा? अब और वो भी सवेरे से खड़े हुए हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुकान आमला बेगम के नाम से, मेरा नाम वसीम। जिस तरीके से राशन डीलर को आज तक दुकानों पर राशन मिल रहा है, उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके दिया? अब तक जो पात्र गृहस्थी के जो राशन कार्ड चल रहे हैं, जैसे मिलता था वैसे ही उनको मिल रहा है। और जैसे अंत्योदय वाले हैं और नगर निगम में पंजीकृत हैं और क्या कहते हैं उसके हैं, मनरेगा वाले हैं, इन लोगों को सब फ्री चल रहा है, ये फ्री वाले। जिस तरीके लोगों को डिस्टेंस बना के कहा गया का, वो अपने आप प्रक्रिया चल रही है। सबको 1-1.5 मीटर की दूरी का डिस्टेंस बना के दिया जा रहा है, सैनिटाइजर करा रहे हैं, साबुन से हाथ धुलवा रहे हैं। हमने खुद भी मास्क लगा रखा और हाथों में ग्लव्स। आज कितने लोगों को राशन बांटेंगे? आज शाम तक कम से कम बढ़ जाता है हमारे यहाँ, कम से कम 100 आदमी। जनता की कोई डिमांड या कुछ नहीं? कुछ नहीं, सब कुछ है, सब आराम से ले रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं।